हेलो दोस्तों, सब बढ़िया। दोस्तों, आज के हम लोग अपने इस लेक्चर में वेक्टर के टाइप्स को देखेंगे। अगर इससे पहले की बात करें, अच्छा, आप लोग का ये कहना हो कि सर लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया। दोस्तों, बीच में मेरी भी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण हम आपको लेक्चर नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, बट अब कंटिन्यू रहेंगे, तो आप निश्चिंत होकर देखिए लेक्चर को। तो चलिए, वो सर ठीक है, आप लोग भी घर पे रहिए, सही से रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ दिन की बात है, अब सब धीरे धीरे ओपन होगा ही। तो और वैक्सीनेशन की बात जहाँ तक है, अगर संभव है तो करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, और बाकी जो लोग नहीं भी है वो लोग सबको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, और साइंस के स्टूडेंट को खासकर। साइंस पे भरोसा ना हो तो फिर साइंस के स्टूडेंट होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बिलीव कीजिए, कोई नहीं, हमें अब वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए हम सबको, और हम सबको वैक्सीनेशन करवा के और आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हम लोगों को हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, बात करेंगे अभी आज के हम लोग इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, और अपेक्षा करते हैं कि आप इससे पहले के लेक्चर देख के रेडी हैं जो हम लोग पढ़े थे, क्या कि वेक्टर क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, वो सारी बातें हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होइएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे आज के लेक्चर के साथ। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर को देख चुके थे, अब देखेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्त बात करते हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इसमें लगभग जितने भी वेक्टर्स होते हैं हमने उनको टाइप्स को लगभग इंक्लूड कर दिए हैं। और देखिए, हम लोगों को एक्चुअली क्या है ना कि बहुत वेक्टर के और भी बहुत सारे टाइप्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर एक टाइप को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेक्टर के बहुत सारे टाइप तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस फील्ड में यूज हो रहा है ना। तो एक एक हम लोग जनरल जो एक जनरल मतलब जितना हम लोग को जानना चाहिए, लगभग मैक्सिमम टाइप्स जो हमारे हम लोग को कवर करना चाहिए वो हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं इस लेक्चर में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को जो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखना है उसमें कौन कौन से वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं, आइए उनकी बात करें। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे, हेलो, आप लोग एक काम करो भाई, कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि कॉपी पेन निकाल के लेक्चर देखने बैठे कीजिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी पेन निकाल के बैठे हुए पढ़ो और नोट डाउन करते चलो तब अच्छा रहता है, और आपको समझ में आएगी बातें, और जब आप दोबारा देखोगे तो एक बार में ही याद भी हो जाएंगे दोस्त। तो इसको आप ये काम कर लीजिए, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और आसपास जो भी डिस्ट्रेक्शन है सबको दूर कर लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। दोस्तों, पहला हम लोग जो देखेंगे वो जीरो वेक्टर को देखेंगे, कलर चेंज कर लिया जाए, जीरो वेक्टर देखेंगे, फिर यूनिट वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, फिर निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, लाइक एंड लाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये टाइप्स हैं जो हम लोगों को जान लेनी है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग दो टाइप्स देखेंगे, है ना, पोलर नॉन पोलर वेक्टर, वो आगे आपको और बताएंगे, लेकिन तत्काल हमें ये देख लेना है कि ये जो वेक्टर है वो क्या होता है और किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये सारे वेक्टर डिस्कस करने हैं। तो आप क्या करो दोस्तों, ये सारे जो वेक्टर के टाइप्स है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर हेडिंग लगा लीजिए, और हेडिंग लगाने के बाद लिख लीजिए ये सारे वेक्टर का नाम, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, अच्छा, कॉपी में नोट करने के बाद चलिए हम एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, वेक्टर के टाइप्स को। ठीक है, तो दोस्त आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे कि कौन सा वेक्टर क्या होता है। एक्चुअल में दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते, बट अगर आपको वेक्टर समझना है अच्छे से तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये टाइप्स सारे आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त एक एक करके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का है दोस्तों वो करते हैं दोस्तों, कुछ लफड़ा था। ठीक है, ओके दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे जीरो वेक्टर। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए
जीरो वेक्टर। दोस्त जीरो वेक्टर क्या होता है दोस्तों, आप लोग सबको पता है, हम लोग पिछले लेक्चर से ही समझ रखे थे क्या कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दो चीज़ें होनी चाहिए होती है वेक्टर क्वांटिटी में। और इसके साथ हम लोग आगे एक बात और भी ऐड किए थे कि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जिसके बारे में आपको हम बताए थे कि दोस्तों कि आगे वाले लेक्चर में आपको बताएंगे कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्या मतलब होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल मूल रूप से अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग दो बातें पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस थे। क्या क्या? एक कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोस्तों जीरो वेक्टर को हम लोग डिफाइन किए कि देखिए कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और जो डायरेक्शन हो वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो जीरो वेक्टर को हम किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स द रैंडम डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें नोट डाउन करना चाहेंगे तो क्या नोट करेंगे दोस्तों, दो बातें हम लोग नोट करेंगे। अब हम लोग इसमें दो बातें नोट करेंगे, आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, पहला नोट कीजिए क्या, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या, कितने क्या मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। इसी बात को हम लोग परिभाषा के तौर पे भी लिख सकते थे, लेकिन अच्छा रहेगा कि ऐसे भी लिखें तो ज़्यादा भी बढ़िया रहेगा। और दूसरा दोस्तों अगर हम बात करते तो इसके पास इट हैज रैंडम, रैंडम मतलब होता कोई भी, रैंडम मतलब कोई भी, रैंडम डायरेक्शन यानी आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, जिसे रैंडम डायरेक्शन। और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड एज जीरो के ऊपर अगर वेक्टर दे दीजिए तो इसको बोलते हैं जीरो। दोस्त कभी कभी इस वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कभी कभी दोस्त, आप चाहो तो स्लैश देख कर लिख सकते हो कि कभी कभी इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। नल नहीं होता है गाँव सब में, वो कहता है नल्ला, मतलब जिसको बोलता है खाली कोई जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको बोलता है नल्ला। तो यानी कुल मिला के ये है कि जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर, तो इसलिए नल मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं है, तो इसको नल वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, ये वेक्टर का इस टाइप में आपको क्या क्या जानना था कि भाई जीरो मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई खास डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी रैंडम डायरेक्शन हम ले सकते हैं, और इसको हम लोग जीरो के ऊपर एरो हेड से दिखाते हैं। दोस्तों ये बात समझ में आपको आ गई होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। इतनी जानकारी हमें जीरो वेक्टर की बात बारे में कभी भी होती है आनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट वेक्टर। दोस्तों जैसा नाम है वैसा ही काम है, हम सबको पता है, पता भी चल रहा होगा कि यूनिट मतलब इकाई होता है एक, यानी कुल मिलाकर सारा। आप वहाँ बोल रहे थे जीरो वेक्टर मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, तो क्या यहाँ ऐसा होगा कि यूनिट वेक्टर मतलब एक मैग्नीट्यूड? एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है दोस्तों, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दोस्त अब बात आपके मन में आएगी कि सर इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता होगा, तो दोस्त देखिए मान लीजिए पहले से, देखिए ध्यान सुनिए, बात ये कि कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, तो देखिए यूनिट वेक्टर में एक डायरेक्शन होती है नो डाउट, लेकिन क्या डायरेक्शन होगी वह डिपेंड करेगा उस वेक्टर के डायरेक्शन पे ही। अब आइए हम आपको ये समझाते हैं बात को। तो पहली बात तो हम ये नोट करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको भी समझ में आ रहा है और हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, तो हम कहेंगे इट हैज यूनिट मतलब वन मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड वन मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्त इसके डायरेक्शन की बात करेंगे दोस्तों,
है ना, इसकी डायरेक्शन, तो ये जो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। सर ये क्या बोले हमको पता नहीं चला, कोई नहीं, हम अभी आपको क्लियर करते हैं ये बात हम क्या बोल गए। आइए देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज है ना, ए कोई वेक्टर अगर है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ए कोई अगर वेक्टर है तो ए वेक्टर मान लीजिए ए कोई वेक्टर रहा होगा, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कुछ भी 10 20 50 हमको से मतलब नहीं, लेकिन इस वेक्टर का अगर दोस्तों हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम लोग इसको कैप से दिखाएंगे, तो ए वेक्टर ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हो सके इसका मैग्नीट्यूड 1 भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम दिखाएंगे कि इसका यूनिट वेक्टर हो तो बस इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे दिखाया जाता है, ए के ऊपर दोस्तों इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं कैप, क्या बोलते हैं दोस्तों कैप, क्या बोलते हैं कैप, ए कैप, क्या बोलते हैं ए कैप। बी वेक्टर का अगर कोई यूनिट वेक्टर दिखाना हो दोस्तों, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिखाना हो, ऐसे बी वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर बी कैप, क्या बोलेंगे दोस्तों बी कैप। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई वेक्टर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में, तो दोस्तों उसके ऊपर कैप का यूज करते हैं, क्या यह बात क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से बोले तो मान लीजिए ए वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ए वेक्टर अगर इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो डायरेक्शन वही रहेगा। देखिए मान लीजिए 10 मीटर की ये 10 मीटर लंबाई वाली कोई वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट वाली कोई वेक्टर थी 10 मीटर, तो मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर, डायरेक्शन क्या है इधर की ओर, किधर की ओर, इधर की ओर, है कि नहीं। अच्छा अब बात करेंगे कि इसकी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, तो हम लोग को पता है कि भाई यूनिट वेक्टर करना है ना किसी वेक्टर का, तो जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर करना है तो इसका मतलब हुआ कि इसका 10 भाग में, इसका एक भाग में बांट लीजिए, कैसे बांट लीजिए, इसका 10 भाग होगा ना, तो उसमें से एक भाग ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक मीटर का, तो एक मीटर इसी डायरेक्शन में अगर लंबाई ड्रॉ कर लीजिए तो ये कहलाएगा ए कैप, यानी ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर हो गया। और डायरेक्शन क्या है, जो इसका डायरेक्शन था वही इसका डायरेक्शन है, क्या मामला समझ में आया। कुछ भी नहीं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है जिस जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन वही रहने दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड को घटा के 1 कर दीजिए, तो वह वही उस वेक्टर का वह यूनिट वेक्टर हो जाता है। फिर से समझिए, फिर से किसी वेक्टर का, ध्यान सुनिएगा, यूनिट वेक्टर ज़्यादातर जो आपको मिलेगा किसी वेक्टर का बताने के लिए कहेगा, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं आई जे के, जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन तत्काल आप ये समझ के रखिए कि ज़्यादातर जो हमें मिलता है दोस्तों वो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मिलता है। तो देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 10 था, डायरेक्शन ये था, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर बनाने का बात है तो हम क्या कहेंगे कि भाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर भी बनाएंगे, तो जो इसका डायरेक्शन था डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, खाली कहां आएगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ बदलाव आएगा क्या इसके मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव आएगा, तो जितना रहेगा उसका यूनिट हो जाएगा, तो मान लीजिए 10 मीटर तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट बन जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों, तो दोस्तों इसको इसीलिए इसको कैसे, या ए का हो या बी का हो, कोई भी वेक्टर हो जिसका अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम लोग उसके ऊपर क्या देते हैं दोस्तों कैप लगा देते हैं, क्या बात क्लियर है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। दोस्तों अभी ये आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, ओके दोस्त इसको नोट डाउन नहीं करने, आइए अब बात करते हैं, यहाँ अपने कॉपी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बना के लिखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ते वक्त मजा आए। अब दोस्त ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए किसी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी है कुछ डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में है और कुछ मैग्नीट्यूड है, यही तो होगा वेक्टर, वेक्टर क्या होगा भाई मैग्नीट्यूड होगा और किसी डायरेक्शन में होगा, तो अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना, तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैन बी फाइंड एज
फाइंड एज दोस्त ऐसे पता करते हैं, ऐसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए, मान लीजिए ए वेक्टर कैन यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, एडिट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या एडिट करना दोस्तों वेक्टर ए, ए वेक्टर कहते यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए कैन बी फाइंड एज, कोई वेक्टर ए है मान लीजिए, हम लोग एक एग्जांपल की तरह से बताएंगे ना, हो देखिए थ्योरी लिख रहे हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल तो सोल्व नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका तो बनाएंगे। तो दोस्तों कैसे पता करते हैं सो देखिए, तो ये पता करने का जो तरीका होता है वो सिंपल ये होता है कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ए यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर पता करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बताइए क्या कर रहे थे हम, हम कह रहे थे कि भाई देखिए ए वेक्टर है उसका, उसके मैग्नीट्यूड से अगर भाग दे देंगे दोस्तों, मैग्नीट्यूड से अगर भाग दे देंगे दोस्तों, मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो दोस्त यहाँ इस वेक्टर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, क्या बचेगा सर, सर ये क्या बोल के पता नहीं चला दोस्त, देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, ठीक है अपनी मर्जी से किसी रैंडम डायरेक्शन में, उसकी मैग्नीट्यूड मान लीजिए 50 न्यूटन का है, मान लीजिए एक फोर्स था और आपको बोले कि भाई इस फोर्स का एक यूनिट फोर्स, यूनिट वेक्टर फोर्स निकालिए, ठीक है तो कैसे आप कीजिएगा, तो भाई आपको इसका यूनिट बनाना है डायरेक्शन, तो इसी फोर्स यूनिट वेक्टर भी बनाएंगे, यूनिट फोर्स भी बनाएंगे, तो उसका तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे इस फोर्स को, आप क्या करोगे इस फोर्स के मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कितना है 50, अगर इसी से 50 को अगर 50 से डिवाइड कर दे हम तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के कहना यह है मेरा कि दोस्त कुछ भी नहीं करना होता है हमें, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से जो वेक्टर होता है उसको डिवाइड करना होता है। जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, आप भी हम लोग देखे थे कि जैसे कि आगे चल के भी बताएंगे आपको कि जैसे कोई वेक्टर 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का कोई वेक्टर है मान लीजिए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 यूनिट का वेक्टर जब हम लोग बनाते हैं इसको, तो दोस्तों ये 4 गुना होके आगे बढ़ जाता है, तो केवल मैग्नीट्यूड में प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ जो मैग्नीट्यूड है इससे केवल डिवाइड करेंगे दोस्तों, केवल डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर जो होता है स्केलर होता है, नंबर क्या होगा स्केलर होगा, स्केलर से अगर डिवाइड कर दे इसको तो इसके डायरेक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक यूनिट वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, एक वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से केवल डिवाइड कर दो दोस्तों, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर मिल जाता है। लेकिन आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको क्या करना है कि इसके बारे में ज़्यादा आइडिया अगर ना भी लगा हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं मात्र, और इसके बाद आपको इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन कैसे करवाएंगे आपको दे देंगे, कहेंगे बाबू देखो एक वेक्टर ये है आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, बात समझ में आ रहा है। तो आपको वहाँ पे इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्तों उस वेक्टर का क्या मिलता है, उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है आराम से, ठीक। तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए अभी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। अभी एक बात और भी इसमें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा वो ये एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जो ये ए यूनिट ये वेक्टर है ना, चूंकि आपको मॉड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड को, सो डैट दोस्तों इस वेक्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला के रूप में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ओके दोस्तों ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अभी अपेक्षा करते दोस्तों कि आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, क्लियर हो गया, जीरो वेक्टर समझ में आया, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होता है
और उसमें इसको एक कैप से दिखाते किसी वेक्टर के लिए, और उसके अलावा दोस्तों इसका जो यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है वो कुछ नहीं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इतनी बात आप अपने दिमाग में अभी रख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको भी कुछ सोचना नहीं है कि सर हमको कुछ बहुत आइडिया नहीं लगा, एयरटेल नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे ना, हम आपको बताते चलते हैं कि आप धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़िएगा। एक परफेक्शन में नहीं आइएगा, परफेक्ट एक आवेग जो पहले से पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपको पता चल गया वो सफिशियंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तो समझ में आया ना, इतनी बातें, चलिए वो काफ़ी है। अब दोस्त बढ़ते हम लोग इसमें इसके आगे, दोस्त इसकी चर्चा और एक जगह और हम लोग करेंगे, जिसका नाम हम लोग जो देखे थे सबसे लास्ट में जो लिखे हुए थे ऑर्थोगोनल वेक्टर। आप लोग जब लिस्ट लिखाए हैं वो लिस्ट में देखिएगा कि सबसे लास्ट में क्या लिखा है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल के टाइम में और डिस्कस करेंगे। अभी सही टाइम ऑर्थोगोनल को डिस्कस करने का नहीं है, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वो लंबा चलने जाने लगेगा। लेकिन एक काम किया जाए कि यहीं पर हम कर ही लेते हैं, थोड़ा सा क्या लगा हुआ है दोस्तों, एक काम करते हैं, चलो एक ई नोट कर लिए, ऑर्थोगोनल जो सबसे लास्ट में है ना उसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, आइए ऑर्थोगोनल वेक्टर की चर्चा कर ही लेते हैं, फिर ऑर्थोगोनल पर जब आगे डिस्कशन का मुद्दा होगा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उसकी परिभाषा अनुभाषा को, फिर आगे उसकी चर्चा करेंगे। देखिए देखिए दोस्त, अभी हम लोग बात करेंगे कहां, ऑर्थोगोनल की तरफ। दोस्त एक पेज हम ले ले जहाँ पे आप नोट करोगे, लास्ट वाला आप पहले ही नोट कर लो, तीसरे नंबर पे आप उसको नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्त अभी हम लोग बात करेंगे जो हमारा सबसे लास्ट वाला है उसको तीसरा नंबर पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या दोस्त तीसरा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, सोचे क्या कि देखिए जो डायरेक्शन है वेक्टर का, ध्यान सुनिएगा, वेक्टर है उसके पास डायरेक्शन है, तो हमारा जितना भी काम दोस्तों हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो इसी स्पेस में करती है, जो जगह हमारे उसी में करते हैं। तो डायरेक्शन जो होगा, तो हम सबको पता है कि पूरे स्पेस को दोस्तों हम तीन को मेन डायरेक्ट पार्ट में बांट लिए, तीन डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन, एक जेड एक्सिस के डायरेक्शन, और उसके बेसिस पे किसी भी वस्तु की हम पोजीशन बता पाते हैं। फिर से हम लोग क्या किए हैं, इसमें एक मिनट हम लोग क्या किए, दोस्तों इस पूरे स्पेस को तीन पार्ट में बांट लिए। अच्छा क्यों बांटे ये, देखिए इसीलिए, आप देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि पूरा डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का गेम है, तो मैग्नीट्यूड के साथ तो हम लोग का लफड़ा चल रहा था कि घटेगा बढ़ेगा वो तो अपना जरूरत के हिसाब से होते रहेगा। लेकिन हम लोग सोचे क्या कि जितने भी काम तो होना है ये पूरे स्पेस में ही होना है, तो हम लोग एक काम क्यों ना करें कि जो ये पूरे स्पेस है उसको तीन डायरेक्शन में बांट ले। तो हम लोग बांटे तो हुए पहले से ही, वो एक्स था, वाई था, जेड था, और हम सबको ये पता भी है कि वाई के अपोजिट में जो होता है दोस्तों, वो वाई के जो अपोजिट में होता है वो माइनस ऑफ वाई होता है। अच्छा एक्स के अपोजिट में दोस्तों जो होता है वो माइनस ऑफ एक्स होता है, हम सबको पता है, और जेड के अपोजिट में दोस्तों जो होता है वो माइनस ऑफ जेड होता है, ये बात हम सब भली बात ही जानते हैं दोस्तों, ये चीज़ें, ये एक्सिस के बारे में हम लोग दोस्त जानते हैं। अब ये माइनस ऑफ जेड है और ये माइनस ऑफ एक्स है और ये माइनस ऑफ वाई है। दोस्तों जब ये बात हुई तो इसमें क्या था, सो समझिए बात को, समझिए यहाँ पे कि एक्स डायरेक्शन को हम लोग फिक्स कर दिए कि भाई ये वाला डायरेक्शन होगा वो एक्स होगा, इधर की ओर होगा वो वाई होगा, और इधर की ओर होगा वो जेड होगा। यानी कुल मिला के हम आपको जुगाड़ करके दिखाए दोस्तों, तो जुगाड़ से हम आपको दिखाएंगे, एक पेन बाबू बुरा उधर से यहाँ है राइट साइड में, देखो दोस्त ये
एक्स वाई और जेड, यही हम लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, कोई भी वस्तु घूमेगा फिरेगा नाचेगा गाएगा कहीं कुछ करेगा, तो ये इसी स्पेस में करेगा, करेगा नहीं करेगा, हाँ। तो अगर आपका कहना अगर सहमत है आप इस चीज़ से, तो देखिए दोस्त यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो हम ये बता पाएंगे कि एक्स एक्सिस से ये इतना डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस वाई एक्सिस से इतना डायरेक्शन में, जेड से इतना डायरेक्शन में, तो हम इस रिफरेंस के माध्यम से बढ़िया से आसानी से किसी वस्तु को लोकेट कर पाएंगे। तो हम लोग सोचे कि एक काम करते, एक स्टैंडर्ड तरीका बनाते हैं। उस तरीका में क्या था कि हम लोग कहे कि देखिए अगर तीन वैक्टर, ध्यान सुनिएगा, अगर तीन वेक्टर आपस में मैचुअली परपेंडिकुलर हो, सर ये क्या बोल गए, माने तीन को वेक्टर होगा तो सब वेक्टर के पास अपना अपना डायरेक्शन होगा, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तीन को वेक्टर है, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री, तो दोस्तों ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलेंगे कि अगर तीनों वेक्टर एक दूसरे से क्या हो, मैचुअली परपेंडिकुलर, इफ थ्री वेक्टर्स आर मैचुअली परपेंडिकुलर देन दीज आर कॉल्ड क्या, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर तीन वेक्टर की बात हम क्यों विशेष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि जब जब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस की चर्चा हमारे लिए मुख्य रूप से रहती है, क्योंकि स्पेस को हम इस तीन एक्सिस में डिवाइड कर दिए, इन तीन एक्सिस से डिवाइड कर दिए, ताकि हम डायरेक्शन बता पाए अच्छे से। बात को समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे एक बात हम लोग यहाँ नोट करेंगे, क्या क्या, कि इफ वेक्टर्स आर मैचुअली परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स आर मैचुअली, मैचुअली मतलब होता आपस में, मैचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर देन दीज आर कॉल्ड कौन सा वैक्टर दोस्तों, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वैक्टर, ऑर्थोगोनल वैक्टर। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है दोस्तों? जब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ये क्या कहलाएंगे, तीन वेक्टर या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें बस इतना ध्यान है, दो या उससे अधिक भी, लेकिन हमें जो चर्चा करनी है वो तीन वेक्टर पे करनी है, क्योंकि हमारे काम का ये तीन वेक्टर है। कौन सा भाई? भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। दोस्तों तो इसमें आप एक चीज़ गौर से करो ध्यान से, कि हम लोग क्या कहें कि वैसे तो हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से, कोई वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में हो सकता था, कोई वाई के डायरेक्शन में हो सकता था, कोई जेड के डायरेक्शन में हो सकता था, यही बातें हो सकती थी, या इसके अलावा जो बातें होंगी तो कोई एक्स और वाई के डायरेक्शन के बीच में हो सकता है, कोई वाई जेड के डायरेक्शन में बीच में हो सकता है, कोई जेड एक्स के डायरेक्शन के बीच में हो सकता था, यही मामला ना हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कोई स्पेस में किसी पॉइंट पे हो तो एक्स से किसी एंगल पे, वाई से किसी एंगल पे, जेड से किसी एंगल पे, तो वो 3D में आ जाता है, और एक्चुअल में हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे 3D हमारे स्कोप से अभी यहाँ बियॉन्ड है ना, वेक्टर के फॉर्म में। तो हम लोग इस जो हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। बात समझ में आ रही? तो हमें एक मामला देखना है और दो ही एक्सिस के साथ, और तीन एक्सिस ऐड भी रहेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप बातें हम आपको बता देंगे, ठीक। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्त क्या किए हम लोग कि जो एक्स का जो डायरेक्शन था, उस एक्स के डायरेक्शन को हम लोग कहें कि देखिए इसको फिक्स कर देते हैं, और इसका नाम दिए कि भाई देखिए इसके साथ जो यूनिट वेक्टर लेंगे हम, उसको लेंगे आई कैप। क्या लेंगे दोस्तों? आई कैप। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख लो और ऐसे भी लिख लो, है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आई वेक्टर का मतलब ही होता है क्या? यूनिट वेक्टर, नाम से स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ए वेक्टर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एकदम 100% यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिखिए, कैप के साथ भी लिखिए और ऐसे भी लिखिए, दोनों एक ही बात बताता है क्या, कि ये यूनिट वेक्टर है। इसमें दिमाग नहीं लगाना कि यूनिट वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं, ये फिक्स है कि ये यूनिट वेक्टर है।
तो इसके लिए आप ये दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप जब इस तरह से ए बी सी करके कोई वेक्टर रहेगा तो यूनिट वेक्टर के टाइम में हमेशा आप कैप का यूज कीजिएगा। क्या बात क्लियर है? हमेशा कैप का यूज कीजिएगा। तो हम लोग कहें कि देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर रहेगा ना, तो उसको आई कैप से दिखाएंगे उसका यूनिट वेक्टर को, उसके किसको, उसके यूनिट वेक्टर को, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कोई रहेगा तो उसके लिए हम लोग यूज किए सिंबल जे कैप का, किसका, जे कैप का, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है, जे कैप का यूज किए। ठीक दोस्त, जेड के लिए हम लोग यूज कर लिए क्या चीज, के कैप का। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस एक्स के लिए दोस्त क्या होगा, माइनस सिक्स के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, माइनस आई कैप, ठीक है, या उसी के लिए उसी तरीके से दोस्तों ये ओ आर और लिखा हुआ मतलब या, ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों जेड के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस के, दोनों में से कोई सिंबल रहे तो आपको घबराना नहीं इसके लिए, बाकी इस तरीके से सिंबल रहेगा तो वो अलग चीज़ें होती है, बात ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों दो बात हो जाएंगी, लेकिन यहाँ दोनों सेम चीज़ के लिए यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे हमें। अच्छा, जे दोस्तों, जे जे और माइनस जे और माइनस जे कैप दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग हमें इस सिंबल का यूज करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए आई जे के का यूज करते हैं। जब कभी भी आई वेक्टर दिख जाएगा हम समझ जाएंगे कि वह एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, डायरेक्शन कहाँ है तो डायरेक्शन कहेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अच्छा, जैसे ही कहीं जे लिखा हुआ दिख जाएगा कहेंगे जे वेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पे हम लोग को, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई जे वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड वन होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा। डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन कहेंगे वाई एक्सिस में होगा। माइनस जे लिखा हुआ दिख जाएगा तो क्या कहेंगे कि भाई ये देखिए वाई एक्सिस के अलोंग होगा, कहाँ होगा, निगेटिव वाई की तरफ होगा, कहाँ होगा, निगेटिव वाई की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन ही होगा। तो अब इस सिंबल, बस आपको ये ध्यान में रखने कि ये सिंबल बताएंगे यूनिट वेक्टर और इसका अपने सिंबल के अलग अलग नाम आपको बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आया? तो ये बहुत ही काम की चीजें हैं जिसको हमें आपको ये याद होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप का यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप का और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप का। अच्छा, अब बात आपके मन में आएगा कि सर कोई यहाँ पे होगा तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आगे आपको बताएंगे हम ऑर्थोगोनल, बोले ना कि ऑर्थोगोनल का एक इस पर सवाल भी बहुत सारे करवाएंगे तो उसमें आपको इससे चर्चा करेंगे। तो इसमें आई जे दोनों आ जाएगा, है कि नहीं, दोनों को मिला के उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। तत्काल एक और बात मन में आएगा कि सर इसी में यूनिट वेक्टर यानी इसी डायरेक्शन में इतना वेक्टर को आप कह दिए कि ये आई कैप हुआ इतना, तो सर अगर इसी डायरेक्शन में कोई अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आई कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में वो 10 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, वही बात होगा कि जब आप यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कहिएगा, 10 आई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना दूरी चला था आदमी उसका 10 गुना दूरी एक्स के डायरेक्शन में चल गया, बस समझ में आ रही, तो ये 10 टाइम्स इसमें आगे बढ़ गया। तो दोस्तों अभी आपको क्या करने हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में ये नोट करके और ये सिंबल्स के साथ जो आपको बताए हैं उसको पिक्चराइज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बाकी इस पे प्रॉब्लम करवा के हम आपको और अच्छे से इसको सिखाएंगे। बाकी तत्काल इतनी जानकारी हमारे लिए अभी के लिए सफिशियंट है, बाकी आगे आगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो गए तो चलो एक बात बताओ दोस्त, माइनस नाइन के का क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि सर के बोले आप तो के तो मतलब जेड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, और ये यूनिट वेक्टर था तो इसको माइनस नौ से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब निगेटिव में वेक्टर है,
के माइनस के है, इसका मतलब सर निगेटिव में, मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन में ये होगा, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा निगेटिव जेड में उसका 9 गुना ज़्यादा आगे तक गया होगा, एक यूनिट जो होगा उसका 9 गुना आगे तक जेड में गया होगा, यही बात यह बता रहा है। कितना आसानी से समझ में आ रहा है सर। अगर मान लीजिए आप सर दे देते 5J तो क्या इसका मतलब सर हम क्या समझते, तो सिंपल कि जे जे मतलब क्या वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और कितना तो सर 5 गुना, मतलब एक एक यूनिट अगर इतना होता तो इसका 5 गुना कर देने पर, 5 गुना कर देने पर जहां पहुंचता वह इसका 5J होगा, इतना दूरी चला हुआ है वाई में, इसका मतलब सिंपल सा ये है सर दोस्तों। तो अब कभी भी 5J, 3J, 2J, J, I, K देख के डरोगे नहीं ना, पक्का। चलिए तो अभी ये चीज़ें बाकी इस पर हम आप जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे ना एकदम परफेक्शन में आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, अभी इतना ही हमारे लिए सही है क्योंकि परिभाषा देख रहे हैं अभी, ठीक। चलिए ओके दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो अपेक्षा करते हैं कि आपको अभी ये बात समझ में अच्छे से आ गया है। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा नंबर पे इसको नोट कर लीजिए, और चौथा जो हम लोग का होगा वो आगे जो होगा हम लोग का वो होगा क्या, निगेटिव वैक्टर, क्या होगा निगेटिव वैक्टर दोस्तों। तो अभी चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों इसमें निगेटिव वैक्टर की, ठीक। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग निगेटिव वैक्टर, ठीक ओके ठीक है। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों निगेटिव वेक्टर की, नाम से ही स्पष्ट है पॉजिटिव के उल्टा निगेटिव है ना, सीधा सा बात है कि भाई बात वही, लेकिन अगर उल्टा में बोल दिया जाए तो यार तू निगेटिव बोल रहा है ना। तो कुल मिला के ये है कि निगेटिव वेक्टर का मतलब वही है कि देखिए अपने आप में निगेटिव किसी के, देखिए कोई भी चीज के रिस्पेक्ट में होता है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव होगा तभी कोई निगेटिव होगा है ना, तो कोई चीज पहले से है उसका अपोजिट होगा तब वो निगेटिव होता है ना। तो उसी तरीके से हम कहेंगे कि सब देखिए निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब है कि भाई किसी वेक्टर, कोई वेक्टर होगा उसका अपोजिट होगा तब वो निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, अपने आप में निगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए सर कि कोई ए वेक्टर है और उसी वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उस ए वेक्टर का वो निगेटिव वेक्टर होगा, अपने आप में निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। क्या बात क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आया, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि अगर एक कोई वेक्टर ए है और उसके मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए उस वेक्टर का, तो अब हम कहेंगे कि वह उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। जैसे कि हम लोग बात करें कि एक एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड अभी ए है, इसका खाली एरो हेड रहता है तो डायरेक्शन के साथ रहता है, और खाली ए लिख देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गया है कि नहीं। अगर सर यही काम कर लिया जाए और इसी का डायरेक्शन अभी ए है और सेम मैग्नीट्यूड का एक अपोजिट में वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो दोस्तों इस ए वेक्टर का हम लोग बोलेंगे कि देखिए एक तो ए वेक्टर है तो इस वेक्टर का ई वाला वेक्टर जो कहलाएगा ये कहलाएगा कि ये माइनस ऑफ ए है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तब हम कहेंगे कि ई वाला जो वेक्टर, इसका नाम दे दीजिए वो वेक्टर का, इसका नाम दे दीजिए बी वेक्टर, ठीक है। तो हम कहेंगे बी वाला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर का, देखिए ध्यान से, ए वेक्टर का बी वाला निगेटिव वेक्टर है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये कह सकेंगे निगेटिव वेक्टर के बारे में कि इफ अ वेक्टर इज अपोजिट टू द If a vector opposite to the given vector किसी vector के opposite If a vector is opposite to the given vector with same magnitude
विथ सेम मैग्नीट्यूड देन इट इज कॉल्ड negative vector. दोस्त वेक्टर होती है आसान, बट बात को अगर, क्योंकि देखो दो ये चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गेम है, और सब कई कौन इंसान नहीं होगा जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पता चलता होगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन और बताने का जो तरीका, सिखाने का जो तरीका होता है ना, इसको बहुत भारी बना देता है। बात को समझिए, मैग्नीट्यूड इधर की ओर गया, इधर की ओर गया, कितना से गया, ये किस आदमी को समझ में नहीं आता होगा, हर एक इंसान नॉर्मल पर्सन होगा उसको भी समझ में आता होगा, लेकिन जब इसको हम पढ़ाई से जोड़ देते हैं तो बताने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना बल्कि कर दिया जाता है कि बच्चों को लगता है अरे क्या क्या सब पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं यार, बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को कि कुछ गेम नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गेम है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें से किसको समझ में नहीं आता है, सबको आता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को समझना, उस बात को समझ लेना बहुत बड़ी बात है। और अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्योंकि गेम केवल क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, आराम से समझ में आएगा, इसलिए भारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है, सिर्फ क्लियर करके पढ़िए। इफ़ अ वेक्टर अपोजिट टू द गिवन वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट होगा देन इट इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये बना लीजिएगा, लिखेगा हेयर वेक्टर बी इज द निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर के क्या है, निगेटिव वेक्टर है बी। तो ध्यान रखिएगा कि कोई वेक्टर होगा उसका निगेटिव वेक्टर होगा। आपसे पूछा निगेटिव वेक्टर बताओ, निगेटिव वेक्टर, तो भाई निगेटिव वेक्टर अपने आप नहीं होता है, निगेटिव वेक्टर होने के लिए पहले से कोई वेक्टर होना चाहिए, उसके अपोजिट जब कोई वेक्टर होगा तो वो निगेटिव वेक्टर कहलाएगा उस वेक्टर का। बात क्लियर है? तो दोस्तों आपको अभी तक निगेटिव वेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। हम कहेंगे बाबू ये बी वेक्टर है, तो आप कहोगे सर ये बी वेक्टर है, तो लीजिए ये ई देखिए ई वाला जो है ये माइनस बी वेक्टर है। कुछ नहीं सर, क्या किए, जितना मैग्नीट्यूड में आप बी वेक्टर बनाए थे उसी के अपोजिट में हम उतना ही में माइनस बी वेक्टर बना दिए। हम कहेंगे कि देखिए सर ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये एफ फोर्स लग रहा है, तो बच्चा कहेगा देखिए सर आप एफ फोर्स बनाए ना, आ देखिए यहाँ से आप इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा इधर की ओर, लीजिए ये है माइनस एफ फोर्स लग रहा है। अच्छा ये क्यों बनाया जाएगा, तो देखिए कोई किसी वस्तु को इतना धक्का इतना जोर से इधर की ओर दे रहा है, और कोई वस्तु को उतना ही धक्का उधर से उतना ही फोर्स दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बराबर इक्वल अपोजिट लग रहा था, क्या जीरो फोर्स लग रहा है उस वस्तु पे ना, तो हम एक कहेंगे ना कि इसके अपोजिट में लगा रहा था, तो वही बात ना है, हो इस फोर्स के अपोजिट ये फोर्स, इसको अगर वेक्टर के भाषा में बोला जाए तो इसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर है। कुछ नहीं है, सिंपल, समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट? तो अब कभी भी निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना हो या बताना हो किसी को, समझा दीजिएगा अच्छे से, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब दोस्तों निगेटिव वेक्टर लेके हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से निगेटिव वेक्टर समझ लिए हैं। और आप अपने कॉपी में एक काम और कीजिएगा, एक बना लीजिएगा कि देखिए कि भाई ये बी वेक्टर है, इस तरीके से बना लीजिएगा कि भाई ये बी वेक्टर है, तो यहाँ से ये इसका सेम मैग्नीट्यूड के साथ ये माइनस बी वेक्टर है, तो एक ये भी बना लीजिएगा, ये ओ पॉइंट था जहाँ से अपोजिट हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये निगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। तो आप कभी भी आप निगेटिव वेक्टर को लेके ड्रॉ करना हो या बताना हो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे, नेक्स्ट हम लोग का होगा पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लोग लगा लेंगे किसका दोस्तों, निगेटिव वेक्टर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आगे पैरेलल वेक्टर और है ना इक्वल वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए पैरेलल वेक्टर। दोस्तों पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमको पता था निगेटिव वेक्टर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरीके से दोस्तों पैरेलल वेक्टर का भी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। पैरेलल देखिए, जैसे कहें ना हम अच्छा है, अच्छा का भाई हम किसी से अच्छा तो किसी से बुरा भी तो है,
है ना। तो अच्छा अपने आप में कोई वर्ड मतलब शब्द नहीं है, वो जब तक किसी के रिस्पेक्ट में ना कहा जाए। किसी के रिस्पेक्ट में होगा तभी वो अच्छा या बुरा का अर्थ निकलता है, क्योंकि कोई किसी से, हम कहें बड़ा है तो हम किसी से बड़ा है तो किसी से छोटा भी तो है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वो बात मैटर करती है। तो उसी तरीके से पैरेलल इक्वल जैसे वर्ड सब जो होते हैं वो कंपेयर वाले वर्ड, तुलनात्मक शब्द है। और तुलना वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा अकेले नहीं आता, वो दो के साथ कम से कम आता है। तो दोस्त पैरेलल की बात करेंगे तो दोस्त पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? तो कहेंगे देखिए सर, पैरेलल में आप बताएं कि पैरेलल अकेले एगो कोई वेक्टर होगा तो पैरेलल होगा नहीं किसी से। तो इसका मतलब है कम से कम कितना वेक्टर होना चाहिए? दो वेक्टर होना चाहिए। अगर कोई दो वेक्टर है तब उसको हम देखेंगे कि पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के साथ। हाँ उससे ज़्यादा भी होगा तब पर भी हम देखेंगे, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? दो वेक्टर होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि एक दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब कहलाता है? तो अब इसके लिए हमको जानना है कि कब कहलाएगा दो वेक्टर आपस में पैरेलल। तो कहेंगे देखिए, दो वेक्टर आपस में पैरेलल तब कहलाता है जब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। क्या कहो? सेम हो। फिर से सुनिए फिर से दो। हाँ अब मैं रहा कि सर मैग्नीट्यूड के बारे में आपका क्या कहना है? तो दोस्त मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब फिर से सुनिए क्या बोले कि दो वेक्टर पैरेलल कब होगा? जब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन क्या हो दोस्तों? दोनों वेक्टर के डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे बाद में अपने पैरेलल वाले में कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू और मोर वेक्टर्स आर टू और मोर वेक्टर्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोग दो और दो से शुरू किए क्योंकि एक का अपने आप में कोई मतलब पैरेलल का नहीं है। तो दो और दो, टू और मोर वेक्टर्स आर ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर, सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ क्या हो दोस्तों? पहली बार नोट करने वाली ये है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों के पास सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, तब बोलेंगे कि पैरेलल है। और उसमें और या एक बात आपके मन में आ गया कि मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना है, बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट नॉट बी इक्वल, ठीक है दोस्तों। मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बात क्या समझ में आए दोस्त? इतना बात हमें ध्यान में रखनी है। तो दो वेक्टर पैरेलल कहलाएगी अगर वो दोनों क्या दोनों के डायरेक्शन क्या हो? सेम है। अच्छा अब एग्जांपल के लिए बात करेंगे, फॉर एग्जांपल की बात करेंगे दोस्तों। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे ए वेक्टर और एक वेक्टर बनाएंगे बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा बराबर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, बराबर हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बराबर अगर हो गया मैग्नीट्यूड तो दोस्तों उसी के केस निकल के आता है इक्वल वेक्टर, कि पैरेलल भी हो मतलब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो तो वो पैरेलल वेक्टर का ही केस आ जाता है, वो इक्वल वेक्टर में आ जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा ना दोस्तों, तो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जो कि अगला केस है। तो आराम से हम लोग डील कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगा, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। लेकिन अभी हम लोग कहेंगे कि इसी का मतलब पैरेलल वेक्टर का ये स्पेशल केस में आ जाएगा क्या? नहीं, इक्वल वेक्टर कि मैग्नीट्यूड तो इसमें बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग एक बात ये भी कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग दिमाग में आएगा कि जितना भी इक्वल वेक्टर है वो सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सभी पैरेलल वेक्टर जो होंगे वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, बस समझ में। तो दोस्तों ये बात समझ में आपको आ गया होगा तो ये बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक।
अब इसमें एक बात और हो दोस्त, अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, इसी में जब डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसी में तो इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी नहीं हो जाएगा है सेम में, लेकिन क्या हो जाएगा अपोजिट। इसी में एक बात नोट करके लिख लेंगे, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट देन इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। इसी में नोट करके लिख लेंगे, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट देन इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसी में जब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगा, एक डायरेक्शन इधर दिखाया है एक डायरेक्शन इधर की ओर दिखा देते, तो क्या हो जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाता है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ध्यान में ये पैरेलल वेक्टर बना के ये आपको इसको नोट कर लेना है इस तरीके से कि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, फिर भी क्या है ये पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया होगा पैरेलल वेक्टर के बारे में, आइडिया लग गया होगा, क्लियर है। और एंटी पैरेलल भी देख लिए कि जब इसी में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे से तो क्या कहलाएगा, वो एंटी पैरेलल कहलाएगा, एंटी हो गया एक दूसरे का है ना, इसलिए एंटी पैरेलल कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आपको इक्वल वेक्टर की तरफ ले चलते हैं। तो अपने कॉपी में अच्छे से जो भी आपको लिखा रहे हैं बहुत प्यार से एकदम हम लोग सही तरीके से लिखते हुए चलते हैं कि हमारा कॉपी भी अच्छा बनते चले, है ना, इसलिए आप इसको अपने प्यार से अपने कॉपी में नोट डाउन करते भी चलिए। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्त बात करते हैं इसी में इक्वल वैक्टर की तरफ, तो आप हेडिंग लगाइएगा इक्वल वैक्टर, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और लिखिए इक्वल वैक्टर के बारे में। ठीक है, अब दोस्त इक्वल वैक्टर की जब हम चर्चा करेंगे तो इक्वल वैक्टर में क्या है कि दो वेक्टर, अब इसमें भी अकेले नहीं हो सकता है, हमेशा दो चीज़ें आएंगी, जब कंपेयर वाला बात जहाँ भी आता है तो अकेले नहीं होता है, दो चीज़ें के साथ, दो कम से कम दो चीज़ें, उससे ज़्यादा हो तो हो सकता है लेकिन कम से कम दो। तो दोस्त इक्वल वेक्टर की बात बोलेंगे तो हम कहेंगे कि दो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब सेम मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अगर इसी परिभाषा को दूसरी भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते थे कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो पैरेलल वेक्टर के पास सेम होवे करता है, केवल मैग्नीट्यूड को सेम कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा नहीं। चलिए तो हम लोग सिंपल तरीका से लिखते हैं कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम कहेंगे इसमें हम लोग इसमें two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude एंड डायरेक्शन। दोस्तों तो हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्या क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे? अब दोस्त आप अगर ये लिख लिए होइएगा तो हम इसको ये वाला इरेज कर देते ताकि आपको यहाँ इक्वल वेक्टर बना के हम दिखा सके, और कुछ नहीं सिंपल दिखाना है यार। अब तो आप समझ भी गए कि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जैसा ए वो वैक्टर बनाएंगे उसने दोनों वैक्टर बनाएंगे, तो सिंपल सा है कि आप इसमें एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जब कीजिएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे आप आराम से दो वेक्टर बनाइएगा फटाफट, एक ए और दूसरा बी। दोस्तों दोनों का डायरेक्शन सेम रखना है, सेम डायरेक्शन रखना है और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखना है, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और क्या हो, डायरेक्शन भी बराबर हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कि भाई देखिए कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, है ना, ऐसे तब आप लिख सकते हो। याद क्लियर है दोस्तों, इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बराबर। ओके ठीक है दोस्त,
तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो ये बातें, हम थोड़ा साइड हो जाए, आप लोग नोट कर लो इसको कॉपी में अपने, इक्वल वेक्टर तक। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। तो दोस्तों लाइट चली गई थी और जिसके कारण बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। तो कुल मिला के है कि आपको पैरेलल और इक्वल वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बीच में हम लोग एंटी पैरेलल भी डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे का जो हम लोग का वेक्टर था वो हम लोग नो हेडिंग लगा रखे थे एंटी पैरेलल। तो कोई बात नहीं है, एंटी पैरेलल तो हम लोग लिख ही लिए हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें यहाँ है भी नहीं। तो हम लोग इसको बस वही लिख के छोड़ लेंगे जो एंटी पैरेलल के बारे में लिखे हैं, बस सफिशियंट है। तो दोस्तों आप सिर्फ ये हेडिंग लगा लोगे, उसमें जो एंटी पैरेलल के बारे में जो नोट में लिखा है वही बात हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें यहाँ है भी नहीं। ठीक, तो दोस्तों एंटी पैरेलल तो हम लोग देख लिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों आगे जो हम लोग का नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। दोस्तों लाइक एंड अनलाइक वेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों इसकी ये जो वेक्टर होता है दोस्त, है ना, ये वेक्टर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये जस्ट सेम एज पैरेलल वेक्टर की तरह होता है। मतलब लाइक वेक्टर उसको बोलते हैं, लाइक मतलब समझते हैं, लाइक मतलब होता है ये दोनों एक ही लाइक जैसा है, तो मतलब एक ही जैसा रहता है तब ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जब दोनों वेक्टर जाता हो तो उसको लाइक वेक्टर कहते हैं। वही परिभाषा हम लोग पैरेलल वेक्टर की पर रखें। अनलाइक वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग कहेंगे उसको अनलाइक वेक्टर, जैसे एंटी पैरेलल की तरह ये हो जाएगा। तो इसमें भी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये इसलिए लिख दिए हेडिंग क्योंकि अगर आपको कभी आए तो ऐसा नहीं समझना कि हम इसके बारे में कभी सुने ही नहीं है, है ना। पैरेलल लाइक वेक्टर मतलब क्या बोले कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो लाइक वेक्टर होती है। और सेम डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं, पैरेलल वेक्टर भी होती है। तो कुल मिला के हम लोग इसको लाइक वेक्टर को एज ए पैरेलल वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। अनलाइक वेक्टर मतलब हुआ नॉन पैरेलल वेक्टर, यानी हम कह सकते हैं एंटी, जो एंटी पैरेलल था उसकी तरह। क्या बात समझ में आ गया दोनों? तो ये इसलिए हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, सर आप यहाँ पे लिख क्या दिए, तो लिख इसलिए परिभाषा भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल देख ही रखे हैं और उसी की तरह होता है। और दूसरी बात कि ये इस नाम से कभी आपको दिख जाए तो आप ये मत करने लगना कि सर हम इसको बारे में जानते नहीं पढ़े। बस ये ध्यान रखना कि पैरेलल डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम लाइक वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट अनलाइक वेक्टर। क्लियर समझ में आ गया दोस्त? मैग्नीट्यूड के बारे में कोई मतलब नहीं हमको, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो कुल मिला के हम लोग इस लाइक अनलाइक वेक्टर को भी अच्छे से समझ गए और इसके बारे में हमें नोट डाउन नहीं करने, बस रहने देंगे। ओके ऐसे ही क्लियर। चले ये नोट क्यों किए हम लोग, क्योंकि हमें कभी लाइक अनलाइक जैसे वर्ड जब पाला पड़े तो हम ये ना समझे कि हमने इसे कभी सुना ही नहीं है, है ना। ठीक, चलिए अब दोस्त बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। दोस्त ध्यान सुनिएगा, कोलिनियर वेक्टर नाम से स्पष्ट है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन मतलब होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर जितने भी वेक्टर एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में लाइन है। लाइन ऑफ सपोर्ट कहने का मतलब जी ये लाइन मान लीजिए, ये हम मान लिए कि ये हमारा एक लाइन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, एक लाइन है। और इस लाइन में जितने भी वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, छोटा मैग्नीट्यूड इसका बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, इधर की ओर उधर की ओर, इसी लाइन में बहुत सारे वेक्टर जब एक्ट करें इसी लाइन में, इसी लाइन के अलॉन्ग अगर बहुत सारे वेक्टर एक्ट करें तो दोस्तों हम लोग कहेंगे कि सारे सेम लाइन में हैं, जितने वेक्टर एक्ट कर रहे हो क्या है, सारे सेम लाइन में हैं और सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के अलॉन्ग है, तो दोस्तों हम उस वेक्टर का नाम देंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर में भी बात वही आएगी, अकेले वेक्टर कोई कोलिनियर नहीं होगा, तो एक से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक वेक्टर कोलिनियर के लेके कोई बात ही नहीं होगी। कम से कम कोलिनियर की वेक्टर की चेक करने के लिए आएंगी तो एक से अधिक वेक्टर की बात होंगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त हम लोग ये कहेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर्स जितने वेक्टर हैं वो एक लाइन ऑफ सपोर्ट में, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में होते हैं तो वो सारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, है ना। अगर दो वेक्टर के लेके बात करेंगे तो कहेंगे दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, सेम। अच्छा डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, डायरेक्शन लाइक भी हो सकता है, डायरेक्शन अनलाइक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन हो सकता है, सेम लाइन में एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हो सकता है,
यहाँ से ये वेक्टर, ठीक है, एक एक दो, ठीक, एक ही डायरेक्शन में, या यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, ऐसे भी रह सकता था ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो एक लाइन में होना चाहिए। अब देखो, ग्रीन वाला और पीला वाला ये भी कोलिनियर कहलाएंगे, ग्रीन पीला येलो, सॉरी ग्रीन पीला बैगनी, है ना, पीला ग्रीन बैगनी, ये भी एक ही क्या कहलाएंगे, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में, तो सारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो जब कभी भी कोई दो वेक्टर्स या उससे अधिक वेक्टर्स एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट में हो तो ऐसे वेक्टर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI कह सकते हैं हम लोग, हालांकि इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे जब सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तत्काल तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, कि इफ 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 टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट सेम लाइन ऑफ सपोर्ट देन दिस टाइप ऑफ वैक्टर्स आर देन दिस टाइप ऑफ वैक्टर्स आर वैक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वैक्टर्स। बस समझ में आई दोस्तों? अच्छा, अब दोस्त बात ये करते हैं हम लोग इसमें कोलिनियर वेक्टर्स पे, अब बात ये कर लेते हैं हम लोग दोस्तों इसमें। अब एक मन में आपके सवाल जरूर आएंगे कि भाई पैरेलल वेक्टर्स में, सर पैरेलल वेक्टर में भी डायरेक्शन सेम होता था, सर पैरेलल में और कोलिनियर में डिफरेंस है क्या? हाँ, लिटिल बिट, है ना, कम डिफरेंस, थोड़ा बहुत से देख लीजिए कैसे डिफरेंस है। कोलिनियर वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर में क्या होता था कि लाइन डायरेक्शन तो सेम रहता था बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। इसमें क्या है, डायरेक्शन सेम और अपोजिट दोनों के केस में ये कोलिनियर हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही का डिफरेंस है, ठीक। तो आपको ज़्यादा दिमाग इसमें अब लगाना वाली बात इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अब डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा सीख लेंगे कि आखिर जब कोलिनियर हो तो क्या करना चाहिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, तो दोस्त देखिए यहाँ पे लाइट अभी कट गई है, जुगाड़ करके काम किया जा रहा है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है। अब इसमें देखिए हम लोग अलग अलग, जैसे देखिए ध्यान से, एक वेक्टर इसको ए नाम दे देते हैं, एक वेक्टर इसको नाम दे देते हैं दूसरा है कलर से, एक वेक्टर इसका नाम बी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ए और बी ये सेम लाइन ऑफ सपोर्ट में, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता था दोस्तों। तो हम कहेंगे हेयर हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर। दोस्तों एक कंडीशन आपको बता, आगे आगे आएगा देगा, देखिए आपको दे देगा दो वेक्टर, कहेगा एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और आपको कहेगा कि बताइए दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। ये तो हो गया कि देख के बता देना पिक्चर से, नहीं, अब पिक्चर मान लीजिए नहीं दिया रहेगा, दो वेक्टर के रूप में दिया रहेगा, तब कहेगा कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे कोलिनियर को लाया जाता है वो आपको हम आगे चल के बताएंगे, है ना, कि अब इसी मामले से समझाएंगे कि दोस्त देखिए कि ये एक वेक्टर है, इसके कितना टाइम करने पर ये दूसरा वेक्टर आ जाएगा। तो सब बात की बात है, अभी ज़्यादा दिमाग में कचरा रखने की जरूरत नहीं, अभी एकदम स्पष्ट भाई, एक लाइन में है, जो भी वेक्टर होगा वो कोलिनियर होगा, सीधा सा बात जान लो, ठीक है, क्लियर। तो हम कहेंगे अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे, चाहे उसकी डायरेक्शन सेम हो, लाइक हो या अनलाइक हो, हम दोस्तों कहेंगे कि वो कोलिनियर होगा, खाली सेम लाइन में होना चाहिए। तो बस इन परिभाषा लिख लीजिए और एग्जांपल लिख लीजिए, बाकी कैसे कोलिनियर का सवाल सॉल्व करते वो हमारे आगे का काम है, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। चलिए तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आप कोलिनियर वेक्टर तक नोट कर लिए हैं, ठीक है।
दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है को इनिशियल वैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो हेडिंग लगा लीजिएगा अगला, को इनिशियल वैक्टर। अपेक्षा करते हैं कि आप समझ रहे हो, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है दोस्त। अभी बात करते हैं को इनिशियल वैक्टर। नाम से देखिए दोस्त, नाम देखिए इसका, नाम देखिएगा तो लगेगा, देखिए को इनिशियल वैक्टर मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वहीं से स्टार्ट हो। जितने भी वैक्टर है जिसकी इनिशियल पॉइंट सेम होती है, ऐसे सारे वैक्टर को हम लोग बोलते हैं कि ये सब आपस में को इनिशियल वैक्टर है। कहने का मतलब है वो ऐसे वैक्टर, जैसे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा कि जोर लगा के हाँ जोर यही से वह धक्का दे रहा है, यह धक्का दे रहा है, यह धक्का दे रहा है, ऐसे। तो देखिए यहीं से शुरुआत, अब इस पे यहाँ से धक्का यह दे रहा है, यह दे रहा है, यह दे रहा है, और इस तरह से ए बी सी वेक्टर जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों ये सारे का ओरिजिन पॉइंट जहाँ से इनिशिएट हुआ है वो सारे सेम है वेक्टर का, तो हम कहेंगे ए बी सी क्या है दोस्तों, को इनिशियल वेक्टर है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम, है ना, दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स। तो कहेंगे दोज वैक्टर, लिखिए सिंपल सा, कॉपी में नोट करना सुन लीजिए, दोज वैक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा ना, तो पॉइंट है ना, इज सेम आर नॉन एज, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, आर नॉन एज को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक ओरिजिन ओ बना देंगे और एग्जांपल में फॉर एग्जांपल लिख लेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल कभी भी को इनिशियल वैक्टर आए तो आप ध्यान रखिएगा जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, जहाँ से सब एक ओरिजिन से सब निकला हुआ, तो ये सब आपस में क्या कहलाएगा, को इनिशियल वैक्टर कहलाएगा, और हम लोग बोलेंगे कि ये को इनिशियल है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लेंगे, नीचे पिक्चर बना लेंगे और लिखेंगे हेयर हेयर वैक्टर ए बी एंड सी आर को इनिशियल वैक्टर्स, है ना, ये सब क्या है, को इनिशियल वैक्टर्स है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो अच्छे से हम साइड हो जा रहे हैं थोड़ा सा, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर की तरफ, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं। अगला हम लोग का हेडिंग होगा दोस्तों, वो होगा कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। सबसे पहली बात, आपको जो नाम दिख रहा होगा उस नाम में ही अर्थ निकल रहा है, को प्लेनर मतलब देखिए एक वेक्टर के लिए कभी बात नहीं होगी यहाँ पे। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं हमेशा क्या कर रहे हैं, दो से अधिक वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। को प्लेनर वेक्टर की बात करेंगे दोस्तों तो ऐसे वेक्टर्स को जैसे नाम से स्पष्ट है को प्लेनर मतलब सेम प्लेन में, तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाइज करे उसको बोलेंगे को प्लेनर, और जो ना लाइज करे या सेम प्लेन में तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन को प्लेनर। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो घर में रह रहे हैं तो घर का ऊपर वाला दीवार एगो प्लेन है, नीचे वाला दीवार एगो प्लेन है, ई वाला राइट वाला एगो प्लेन है, लेफ्ट वाला एगो प्लेन है, आगे वाला एगो प्लेन है, बैक वाला एगो प्लेन है, तो ये सब कितने 6 प्लेन से मिलके ये घर बना हुआ है कि नहीं, 6 प्लेन से। तो अगर कहीं में फोर्स इसमें लग रहा है तो हम एक ही प्लेन में लग रहा है दोनों फोर्स, तो हम कहेंगे भाई ये को प्लेनर है। अगर दो अलग अलग प्लेन में लग रहे होंगे फोर्स तो हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या उसको कि नॉन को प्लेनर है, बात समझ आ रहा है। उसी तरह से वेक्टर अगर सेम प्लेन में रहेगा तो हम बोलेंगे को प्लेनर है, अगर डिफरेंट प्लेन में होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन को प्लेनर है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या नोट करेंगे, सिंपल कि If the vectors lies in the same plane, then these are called
दीज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे दोस्तों, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, जैसे अभी बोर्ड आपका एक प्लेन दिख रहा होगा दोस्तों, इस प्लेन में ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, हियर ए बी, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, हेयर हेयर एग्जाम्पल लिख के लिखे, फॉर एग्जाम्पल लिख के लिख लेंगे हम लोग इसमें, फॉर एग्जाम्पल ए बी हेयर, हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर। अब दोस्तों ऐसा क्या, इसमें अगर वेक्टर, अगर नन कोप्लेनर क्या होगा, अगर वेक्टर सेम प्लेन में लाइन ना करे, तो अलग अलग प्लेन में या डिफरेंट प्लेन में हो दोस्तों, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नन कोप्लेनर। तो कहेंगे इफ वेक्टर्स हैविंग नो कॉमन प्लेन, है ना, नो कॉमन मतलब एक ही प्लेन में, कॉमन मतलब होता है एक ही प्लेन में, है ना, तो दोनों में कहेंगे इफ वेक्टर्स हैविंग नो एनी कॉमन प्लेन, है ना, नो एनी कॉमन प्लेन, देन दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। अगर अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे वेक्टर, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि आपको समझ रहे हैं, कुछ इस प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहा है, कुछ उस प्लेन में, तो ये फोर्स भी एक तरह की वेक्टर ही है ना, कि सारा फोर्स फोर्स रहा है, कभी वेक्टर वेक्टर बोलते हैं, तो दोस्त फोर्स एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्त इस प्लेन में लग रहा है, उस प्लेन में, आखिर वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं भाई, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, ताकि हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर सके, ठीक। तो इधर की ओर लग रहा है, कुछ उधर लग रहा है, उस प्लेन में लग रहा है फोर्स, तो हम लोग कहेंगे भाई देखो ये उस प्लेन में है, ये इस प्लेन में, तो दोस्तों दोनों क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। तो अभी हमारे लिए सफिशियंट परिभाषा है, क्योंकि हमारे काम में जो आएंगे हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस होकर, तो ये हमारे लिए अभी सफिशियंट परिभाषा है, ठीक है। चले आगे बढ़े दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग का जो होगा दोस्तों, वो होगा पोजिशन वैक्टर। ये फिर हम लोग के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, और बाकी सब तो जैसे परिभाषा जो बेसिक डिफिनेशन है दोस्त, ये तो वीवीआई है ही, लेकिन इसमें भी ये विशेष होने वाला है, ठीक है दोस्त। अब बात करेंगे सबसे लास्ट, और जो हम लोग का होगा, क्योंकि इसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर है, लेकिन ऑर्थोगोनल तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो वहाँ तक हम लोग का हो जाएगा। और तो यहाँ ऑर्थोगोनल वेक्टर तक तो हम लोग देख ही लिए, तो अब उसको छोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग का वही है। तो अभी बात करते हैं हम लोग दोस्त पोजिशन वेक्टर के बारे में, ठीक है दोस्त। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि देखिए ध्यान से, पोजीशन वेक्टर किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है भाई, ठीक है, किसी पॉइंट का, ध्यान सुनेगा। तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है। आपको पता है कि हम का हमारा पोजीशन क्या है, आप ऐसे नहीं बता सकते, हम आप कई लेक्चर में बात मेंशन करते हैं दोस्त, मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन कोई है नहीं, बोर्ड से इतना मीटर पे, दीवार से इतना मीटर पे, इससे इतना मीटर पे, तो अलग अलग रिफरेंस से क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशन दिखता है। तो उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोगों को जैसे मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों, आजा बसंती, देखिए दोस्त ध्यान से देखिए, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें दोस्त, ध्यान सुनिएगा, जैसे अगर ये लड़का ए है यहाँ से, और ये बी तक गया इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, ए लड़का बी तक गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई देखिए, इसका ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और इसको जब हम ए से बी के जगह पे अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि देखिए इसका ए बी पोजीशन था, क्या था, ए बी पोजीशन, यानी इस डायरेक्शन में ये ए बी गया था, ठीक है दोस्त। अगर पोजीशन, अब हम लोग दोस्त जब इसका पोजीशन किसी रिफरेंस के बेसिस पे लिखना चाहेंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, सो देखिए ध्यान से, पहले तो वो रिफरेंस लेंगे उसका, उसी कलर से बनाएंगे, रुकिए पहले भी हरा वाइट कलर से बनाते हैं, देखिए
ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिए a पॉइंट यहाँ था, a पॉइंट यहाँ था और b पॉइंट यहाँ आया, a पॉइंट यहाँ है, b पॉइंट यहाँ है, ठीक है। दोस्त ये कलर सेम कलर यूज करते हैं ये। अब दोस्त देखिए ध्यान से, अभी ए बी पोजीशन है ना दोस्त, ध्यान से देखिए तो ए बी पोजीशन ए पॉइंट का और बी पॉइंट का। दोस्त अगर ओरिजिन हम जीरो ले लें, यहाँ ओरिजिन हमारा जीरो जीरो होगा, ओरिजिन हमारे यहाँ है, तो दोस्त ओरिजिन से मान लीजिए ये कलर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते, सॉरी ये देखिए ध्यान से, इसको देखिए, ये ओ ए वैक्टर यहाँ से क्या है, ओरिजिन से इसको क्या बोलेंगे, ओ ए वैक्टर, इसकी पोजिशन क्या है, ओ ए, ठीक। अच्छा दोस्त यहाँ से क्या होगा, दोस्त ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये ओ बी का है, ये ओ बी का पोजीशन है, किसका पोजीशन है, ओ बी का, दोस्तों किसका पोजीशन है, ओ बी का, ये ओ ए का, ये ओ बी का, और ए बी का कहाँ से, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा थोड़ा सा आपको ये लगेगा, लेकिन हम आपको लास्ट में इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए, एकदम सिंपल तरीका। देखिए ध्यान से, ई पॉइंट ओ ए का हम कोई रिफरेंस, देखिए एक ई तो जनरल था, कहीं बीच में कहीं भी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पोजीशन की एक्चुअल पोजीशन की बात करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई ना कोई रिफरेंस लेंगे, उसके बेसिस पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ए पॉइंट है तो हम ओ ए से देखें तो इसका ओ ए पोजीशन हो गया, अच्छा बी का देखेंगे तो ओरिजिन से ओ बी पोजीशन हो गया, और इसका आपस में ए बी पोजीशन था। अच्छा अब दोस्त बात कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि अभी आपको बताते हैं कि जब ए बी पोजीशन लिखा रहता है तो ए बी को हम रिफरेंस के बेसिस पे एक ये लिख सकते थे क्या, ओ बी माइनस ओ ए, और यही चीज़ हम आपको शॉर्टकट में बताने वाले थे कि जब कभी भी आपको एक पोजीशन दिखे ए बी सी डी डी ई ई एफ कुछ भी ऐसा दिखे पोजीशन किसी वेक्टर का, तो आपको करना क्या रहता है, सिंपल आपको करना होता है कि आगे वाला पॉइंट में से पीछे वाला को घटा लीजिएगा तो वो उसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा वहाँ से, और वहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी कैलकुलेशन रहेगा, यानी आपका कैलकुलेशन का यही पार्ट बनने वाला है। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा घेर दिया जाए ट्रायंगल शेप में। एक मिनट दोस्तों, मामला कुछ जम नहीं रहा है। नहीं है इसमें दोस्त, मामला कुछ जमा नहीं, आओ अपने हाथ वाले इसी घेरा का यूज किया जाए, क्योंकि ये लैपटॉप से स्क्रीन शेयर है इसलिए नहीं हो पा रही, चलो डायरेक्ट एंड्रॉयड पर रहता तो हो जाता, ठीक है। अब ये क्या है, छोड़ो इस सबका मामला, ये यहाँ का पर्सनल मामला है, लाइट है नहीं है वो सब, आप सिर्फ ध्यान लगाओ इस पर, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक हो गया, ये इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ, है ना, लाइट कटने के बाद जो भी बना रहे हैं एंड पीसी से शेयर करके बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप बस आपके लिए, आपको सीखने के लिए बनाया जा रहा है इतनी मेहनत करके, तो आप बात पे ध्यान दो। देखो दोस्त ध्यान से इसको देखो गौर से, अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम लोग कहते हैं कि ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ओ बी पोजीशन है, ये ओ ए पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको ट्रेंगल लॉ से भी अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते थे, क्या कह सकते थे, देखिए ध्यान से अकॉर्डिंग, ये इस डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन ये होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों का सेम डायरेक्शन है। अच्छा ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन तो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं, अच्छा कोई नहीं दोस्तों, अभी तत्काल हम आपको बता देते, आगे सिखाएंगे, मामला चूंकि इस पे आ ही गया है तो एक बार देख लेते, कुछ नहीं हम आपको सिंपल बताते हैं, इस दोनों का जोड़, अगर ट्रेंगल ऑफ एडिशन बता देंगे तो देखिए यहाँ पर आप सिर्फ लिख लीजिएगा, बात बाकी मामला हम लोग आगे देख लेंगे, यहाँ पर अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, और इसीलिए ए बी का जो पोजीशन वेक्टर आता है ना दोस्तों, ओ बी माइनस ओ ए आता है। अब ये जो हम लिखे ये ट्रेंगल लॉ से लिखे, अब ट्रेंगल लॉ तो आपको हम बताया नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी बस सिर्फ इतना लिख लेना है,
सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लेना है। और शॉर्टकट क्या है, जब कभी भी आपको कोई पोजीशन वेक्टर के लिए बोले ना तो सिंपल, हालांकि इस पर क्वेश्चन जब करवाएंगे तो होगा, सी डी बराबर कहेगा तो हम कहेंगे, देखिए ध्यान से, ओ डी माइनस, क्या कहेंगे, ओ डी माइनस ओ सी कर लेंगे। ई एफ कहेगा, ई एफ का पोजिशन वैक्टर लिखिए तो हम क्या कहेंगे, ओ एफ माइनस ओ ई वैक्टर, एकदम सिंपल। ऐसे लिख लोगे ना, देखो तो गौर से, ऐसे ओ डी तो ओ डी माइनस ओ सी, ई एफ तो ओ एफ माइनस ओ ई, मतलब आगे वाला पॉइंट में से के साथ ओरिजिन के साथ, ओरिजिन वाला पॉइंट मारने के साथ ओ एफ माइनस ओ ई करने, ऐसे कर लोगे ना, सिंपल। तो बस सिंपल इतना ही करना है, क्योंकि इसका बहुत यूज आने वाला है, इसी बात का बहुत ज़्यादा यूज आता है, और इस तरीके से हम किसी वेक्टर का पोजिशन वेक्टर पता करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पोजिशन वेक्टर में हमें बस ये बात नोट डाउन कर लेनी है और ये बात नोट कर लेनी है। और जहाँ की परिभाषा की बात हम बोले, परिभाषा हमसे पूछता नहीं, हम ये पढ़ते के क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट में यूज आता है कि कहाँ कहीं पे पोजीशन वेक्टर की बात आएंगी, कहीं पे कुछ आएगी, तो आपको ये आइडिया लगे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आपको ये बात अगर समझ में ना आई तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। यहाँ तक आपको ये बात, अगर ये सिर्फ आपको इतना समझ में आना है कि ए भी वेक्टर अगर रहेगा कहीं भी तो ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे, और इसका भी बहुत ज़्यादा अगर मीनिंग आपको यहाँ पता ना चला तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग आगे देखने वाले हैं इस चीज़ को। अगर आप चाहो परिभाषा लिखना तो चलो हम लिखा ही देते हैं, तो कहेंगे कि इफ़ अ वैक्टर लिख ही लीजिए, क्या कहेंगे कि सर परिभाषा नहीं लिखा दिए, क्योंकि मतलब जब हम लोग का लेवल छोटा रहता तो उस समय बहुत सारी बातें होती, सर परिभाषा तो लिखे भी नहीं किए, सर तो ऊ वाला परिभाषा मुँह छोड़ दिए। देखो ध्यान देने, जब आपकी लेवल मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है तो हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम लोग बेस लेवल पर परिभाषा की भी ज़रूरत रहती है हमें। लिख लो, इफ़ अ वैक्टर if a vector starts from a fixed point and reach to a point in a space, है ना, in a space, then this position is called position vector with respect to given point। दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये परिभाषा बोले ना, इसलिए हम परिभाषा नहीं निकाल रहे थे, इतना से तो बढ़िया आपको सिंपल याद रहेगा, कुछ नहीं, ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए, सी डी है तो ओ डी माइनस ओ सी, एकदम सिंपल याद रहेगा। इसीलिए बोल रहे थे कि ये परिभाषा लिखने से ज़्यादा बढ़िया है कि ये कर ले हम लोग, है ना, सिंपल। ये वाला बात ध्यान में रखें, जो बक्सा में घिरा वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जिस समय आप सवाल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम आपको ये बात याद दिलवाएंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यही, और ये पोजिशन वैक्टर के बारे में। दोस्तों कुल मिला के ये है कि हम लोग इसके बाद दोस्त जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो ऑर्थोगोनल वैक्टर है। आई थिंक कि इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग कि ऑर्थोगोनल वेक्टर की, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग का क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए अच्छे से। तो कुल मिलाकर टोटली हम लोग को वेक्टर के जो टाइप्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज चाहिए थी जिससे हमारा काम हो जाए, वो हम लोग अच्छे से गेन कर लिए हैं। अब इतना के बाद हम लोग वेक्टर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं,
ठीक है, अब हमें कहीं से कोई वेक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आगे जो हम लोग का जो नेक्स्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा कि अभी देख लिए कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, है ना, वेक्टर की क्या उपयोगिता है, वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए। अब आप बताइए अब क्या होना चाहिए कि भाई जैसे कि सर आप जैसे कि हमको बताएं क्या बताएं, हम बताए थे कि बाबू देखो कि क्या करना होगा कि जो वेक्टर है उसका क्या देखना होता है हम लोगों को, जैसे जोड़ घटाव होता है सबका उसी तरीके से इसका भी होता है। तो जैसे नॉर्मल स्केलर का जोड़ घटाव होता है गुणा भाग तो बचपन से हमको आता रहता है, लेकिन वेक्टर का अपना रूल नियम है। तो हम लोग पढ़ेंगे जिसको जोड़ घटाव करने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। तो अगला हम लोग का क्या होगा, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, है ना, वेक्टर पे ऑपरेशन, मतलब वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग को सीखना है। तो अगला हेडिंग जो हम लोग का होने वाला क्या चीज़ पे, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। आप क्या कर लोगे, एक बार परिभाषा को देखकर रिवाइज करके कॉपी में नोट करके रख लोगे, दैट्स द सफिशियंट, ये सफिशियंट है दोस्तों। और अगर आपको किसी चीज़ के लेकर कोई डाउट हो देन आपको पता ही है, कॉन्टेक्ट मी 8882516164, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह के डाउट के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ ऑपरेशन ऑन वेक्टर के साथ, जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सब क्या होता है, उस सब की सारी जानकारी हम लोग उसमें देखेंगे। तो तब तक आप सारी चीज़ को नोट करके अच्छे से पढ़ के रखिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।